हम किसी के भक्त नहीं, ना ही हम किसी को हम अपना शिष्य प्रशिष्य बनाते हैं। हम सब बराबर के हिस्से वाले हैं, सारे के सारे गुरु हैं। सच्चाई एक ही है, तो प्रवचन अलग अलग कैसे हो सकते हैं? हर रोज हमें वही सूरज को देखनी है, वही समंदर में पानी डूबनी है, वही संगीत सुनना है, वही ध्यान करना है, वही सच्चाई का प्रवचन है। तो सभी लोग हाथ ऊपर कर लिए, मैं भी देखूं। जैसा आप हैं वैसा मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसा आप हैं, कोई भिन्नता नहीं है। गुरु का अपोजिट शिष्य नहीं है, गुरु का अपोजिट लघु है। ध्यान के पूर्व, आत्मज्ञान के पूर्व हम गुरु नहीं, हम लघु हैं। आत्मज्ञान के पश्चात, ध्यानाभ्यास के पश्चात जब आप आज्ञा चक्र में सहस्रार में पहुंच गए तो आप गुरु। इसे इस चक्र को कहते हैं गुरु चक्र, आज्ञा चक्र, सुदर्शन चक्र। जब तक कोई बंदा या इस चक्र तक नहीं पहुंचता है वो गुरु नहीं है, इसके नीचे लघु है। तो कहिए सभी लोग, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्र, विद एक्शन। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्र। और एक बार, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्र। जब तक कोई बंदा आज्ञा चक्र यानी गुरु चक्र यानी सुदर्शन चक्र तक नहीं पहुंचता वह गुरु नहीं, लघु है। अब तक गुरु नहीं बनता। सुदर्शन चक्र, जो सुदर्शन सत्य का दर्शन, हाईएस्ट का दर्शन नहीं पाता है तो वो गुरु नहीं। जब तक आपकी तीसरी रैंक फटी नहीं, जागृत नहीं है, आप गुरु नहीं। देखो ये गुरु चक्र है, आज्ञा चक्र। गुरु आज्ञा देता है, यानी गुरु के मुंह से जो कुछ भी निकलते है वो आज्ञा है, आपका पालन करना है। उसे बहस नहीं होती, गुरु से बहस नहीं होती। इसीलिए इसे कहते हैं आज्ञा चक्र, ऑर्डर। हे किशन कन्या कोलकाता वाला, उठ जा, खड़े हो जा, बैठ जा, खड़े हो जा, बैठ जा। यह है आज्ञा चक्र। तालियां बजाइए स्वामी जी। यहां से, यहां आपकी सत्य की प्राप्ति होती है, आप एक गुरु बनते हैं। यहां तक पाने जाने के लिए जो इसके नीचे हैं, इसके नीचे हैं, ये दोनों आंखें बंद करनी, ये खुले हुए रहते हैं तो उल्टा यहां से निकलते हैं, ऊपर कैसे जा सकते? जब नीचे के दरवाजे खुले हैं तो ऊपर के दरवाजा बंद होता है, परंतु जब नीचे के दरवाजे बंद कर लेते हैं तो ऊपर का दरवाजा धीरे 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 खुलता सिम सिम हो जाए। ये जो दरवाजे हैं दो, ये बंद करनी है, फिर ये जो पिरामिड है इसके अंदर घुसना चाहिए और उच्छ्वास उच्छ्वास जय विजय वैकुंठ द्वार के पालक, जय विजय, जय विजय का जय जयकार हो, श्वास विश्वास का। और हम स्वयं नारायण हैं इस शरीर में विराजमान। हम अपने आप में तक पहुंचने के लिए आंखें बंद करनी चाहिए और सांसों के साथ एक होना चाहिए, तो धीरे धीरे ये हम ऊर्ध्वगामी हो जाएंगे, ऊर्ध्वगामी। तो ऊर्ध्वगामी होते होते हुए यहां हम आज्ञा चक्र को पास ऊर्जा भरते हैं, इधर की ऊर्जा इधर बढ़ जाती,
इधर की ऊर्जा इधर बढ़ जाए। मौन के पालन से यहाँ से ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है यहाँ, और ना देखने की एक अभ्यास यानी आंखें बंद करने की, और ना सुनने की, संगीत सुनो बस, जो संगीत नहीं है उसे मत सुनो। आंखें बंद करने के लिए ये जो है बंद कर लेते हैं, मुंह बंद करने के लिए, कान के लिए कोई बंद करने नहीं है, हमेशा जलसी देर नो आई लिट्स देर नो यद लिट्स देर आर आई लिट्स आर देर, आंखें बंद करें, परंतु ये हमेशा सुनने के लिए, संगीत सुनने के लिए तालियां बजाएंगे। Your ears are always open. There's no point. There's nothing like closing. Prakriti has given us, the nature has given. Hey, guy, you listen. But listen perfect things. Don't listen to idiotic things. Keep on pravachan sunte raho. Ek CD rakho, pravachan rakho, Pandit Ravi Shankar ji ka, sitar rakho, Bismillah Khan ka rakho. Aur dhyan mein bandh ho jaiye. Kaan hamesha khule hue. Aankhe band, muh band. Kaan hamesha khule hue. So keep on listening, 24 hours listening, during meditation, not during meditation, 24 hours music or urja, idhar se, upar chala, upar, yahan, ya pat chala. Sudarshan chakra. Bahuni miye vete tani janmani tava charjuna tani ahum veda sarvani natvam veta parantapa. Sri Krishna ne Sri Arjun se kahi, hey Arjun, आप और मैं अनेक अनेक जन्म लिए हैं, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तू कुछ भी नहीं जानता है, क्योंकि तू लघु है, मैं तो गुरु हूं। तू आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंचा, तू विशुद्ध तक है, तू तो एक परिशुद्ध आत्मा है, परंतु तू योगी नहीं है, मन के ऊपर काबू नहीं पाया, रो रहा है तू, गंडम को छोड़ दिया है, तू योगी बन, मैं तो योगीश्वर हूं, तू योगी बन। आप और मैं अनेक अनेक जन्म लिए हैं, मैं तो सब कुछ जानता हूं, मेरे भी बारे में और आपके भी बारे में, मैं मेरे बारे में सब कुछ जानूं तो क्या मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानूं? असंभव है। जब मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं जानूं, आपके बारे में क्या जानूं भला, और आपस में लड़ाई, झगड़ा, मारपीट, अत्याचार, परंतु जब मैं अपने आप को जान लिया हूं, मैं आपको भी पूर्णतः जान लिया हूं, तो झगड़ा कैसे संभव? अपने आप को जानने के लिए हमें गुरु बनना है, जब तक आप लघु हैं आप अपने आप को नहीं पहचाने। हां, विशुद्ध चक्र में पहुंचे तो नरोत्तम है, परंतु नारायण नहीं बने, नरश्रेष्ठ बने, परंतु नारायण, यहां आप नारायण पहली बार एहसास लेते, हां भाई मैं भगवान हूं, हां भाई मैं तो अब जान लिया हूं मेरे बारे में, तो मैं गुरु बन गया हूं, आज तक मैं लघु था, आज से मैं गुरु हूं, इसे तो गुरु चक्र। और एक बार मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्र। देखिए जो यहां हो जाता है सहस्रार में, वो जोकर कार्ड के जैसा होता है, पत्ते में जोकर कार्ड होता है, दो दो के साथ जोकर रखे वो भी दो होता है, दो तीन में चार होता है, जैक जैक में जैक होता है, किंग किंग में किंग होता है, ये रानी 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 वो भी रानी होता है, बच्चों में बच्चों, योगी में योगी, पंडित में पंडित। तो हर जगह वो जोकर का निर्गुण कार्ड हो जाता है, जो सहसा सारे पिरामिड मास्टर सहसा के ही हैं। क्योंकि आप निर्गुण बन गए हैं, बार बार आपको शक आती है, मैं कौन हूं, मैं कहा हूं, क्या पहुंचा, क्या लोग आते हैं पिरामिड मास्टर्स, बड़े बड़े पिरामिड मास्टर्स, स्वामी जी क्या मैं पहुंचा क्या,
अरे बाबा बहुत जन्म हो गया पहुंच नहीं था, ये उन लोग के पट्टे के पास कैसे आ सकते हैं आप? तो ये मामूली बात है क्या, ऐसा उल्लू के पट्टा के पास आने का और रहने का सहने का किसी से किसी के बस की बात है क्या? नहीं। अगर मैं सहसा का हूं, जो लोग भी मेरे पास आए हैं तो वो भी सहसा के हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। तो पिरामिड मास्टर्स को हम जोरदार से तालियां बजाते हुए